नमस्कार इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में इन दिनों हम सॉफ्ट स्टार्टर्स समझ रहे हैं हमने एक लर्निंग वीडियो में सॉफ्ट स्टार्टर की इंटरनल कॉन्फिग्रेशन और वर्किंग के बारे में जाना था और एक दूसरी लर्निंग वीडियो में सॉफ्ट स्टार्टर के एडवांटेज और डिस को समझा था आज हम जानते हैं सॉफ्ट स्टार्टर की एप्लीकेशन के बारे में और समझते हैं बेल्ट कन्वेयर सिस्टम बेल्ट पुली ड्राइव्स पंप्स, फैंस कंप्रेसर्स सभी एप्लीकेशंस में सॉफ्ट स्टार्टर्स क्यों आवश्यक है शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर्स एक मोटर की सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की अप्लाइड वोल्टेज को एक मिनिमम लेवल से रैंप अप करता है स्मूथली और ग्रेजुअली उसको बढ़ाता है और इस बढ़ाने की प्रक्रिया को अगर जरूरी हो तो बीच में हम विराम दे के फिर चालू कर सकते हैं और इस तरह से हम कुछ समय लेके इनिशियल मिनिमम अप्लाइड वोल्टेज को आखिर में फुल रेटेड वोल्टेज तक इंक्रीज कर लेते हैं और इस प्रक्रिया में जब वोल्टेज एक सतत और सहज रूप से बढ़ाया जाता है तो मोटर के द्वारा लिया गया धारा जो है करंट है वो कंट्रोल रहती है और टॉर्क जो एक्सेलरेशन का काम करता है वो बहुत ग्रेजुअल और स्मूथ अपना ऑपरेशन करता है करंट के लिमिटेड वैल्यूज में रहने से टॉर्क के बहुत ग्रेजुअल और स्मूथ इंक्रीज से एक्सेलरेशन के कांस्टेंट रहने से हमारे मोटर और लोड सिस्टम में सभी प्रकार के मैकेनिकल शॉक्स और जर्क्स कम हो जाते हैं सप्लाई सिस्टम में इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस नहीं रहती और हमारी स्टार्टिंग है वो स्मूथ रह जाती है इस तरह के सॉफ्ट स्टार्टर में इस ग्रीन पुश बटन से हम सॉफ्ट स्टार्ट एक्शन को शुरू कर सकते हैं मोटर को रोकने के लिए हम ऑर्नरी या सॉफ्ट स्टॉप इस रेड पुश बटन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस को रीएडजस्ट करने का प्रोसीजर भी यहाँ रीसेट पोजिशन के साथ अवेलेबल होता है और इस तरह के जो सॉफ्ट स्टार्टर वो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो को इन दिनों रिप्लेस कर रहे हैं ये जो बेस्ड सॉफ्ट स्टार्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट छोटे साइज में अवेलेबल हैं इनका ऑपरेशन सिंपल और रिलायबल है सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से जब मोटर लोड सिस्टम सहद

मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम हो जाती हैं वर्किंग लाइफ इंक्रीज हो जाती हैं सॉफ्ट स्टार्टर की एक्शन से जब स्टार्टिंग करंट रेटेड करंट से एक या दो गुना ही जब रहता है तो हमारी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं होती सभी तरह के इलेक्ट्रिक रिड्यूस हो जाती है सप्लाई सिस्टम में ओवरलोड कंडीशन आने की फोल स्ट्रिपिंग होने की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती है सॉफ्ट स्टार्टर की एक बड़ी एप्लीकेशन मेटीरियल हैंडलिंग में जो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम्स होते हैं जिसमें एक मोटर कन्वेयर के ऊपर मेटीरियल मटेरियल हैंडलिंग के ऑब्जेक्ट को ड्राइव करती हैं। उन एप्लीकेशंस में मोटर की सॉफ्ट स्टार्टिंग थर्मल पावर स्टेशन की ऐसी बेल्ट कन्वेयर मेटीरियल हैंडलिंग पोजिशनल भी लेआउट हो सकती है, है इनमें कुछ इंक्लीनेशन भी हो सकता है आमतौर पर इस तरह की बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में मेटीरियल है वो पूरी बेल्ट लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसलिए लोड

भी बढ़ा देगा बेल्ट को पुली के ऊपर से स्लिप करने जैसी परेशानियां भी पैदा कर देगा हमारी मेंटेनेंस पावर ड्राइव है सभी तो तरह की जो मैकेनिकल स्ट्रेसेज है वो सॉफ्ट स्टार्टर जब कम कर देगा तो हमारी वियर टीयर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट तो कम होगी होगी बेल्ट की सर्विस लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी वॉटर या लिक्विड को पंप करने वाली मोटर ड्राइव्स में भी अगर हम कन्वेंशनल स्टार्टिंग करते हैं तो एक पावर सर्जेज बिल्टअप होगा और हमारी इस पंप केसिंग में सडन प्रेशर से हाइड्रोलिक शॉक से कैविटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है पाइपलाइंस में वाटर हैम्बरिंग की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है और ऐसी कंडीशन में सभी पंप एप्लीकेशन में ये बेहतर रहेगा कि हम मोटर की जो स्टार्ट है वो एक सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से करें और टॉर्क को इस तरह से कंट्रोल करें कि वो हमारे पंप हाउसिंग में हाइड्रोलिक शॉक्स को रिमूव कर दे और पाइपलाइंस में वाटर हैमरिंग की समस्याओं को ना रहने दें और ये काम हम न केवल स्टार्ट ऑपरेशन में करेंगे पंप में सॉफ्ट स्टॉप भी बहुत ज्यादा है तो सारी पंप में अगर हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज करते हैं और उसे सॉफ्ट स्टॉप से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पाइपलाइंस में वाटर हैमरिंग की समस्या नहीं होगी पाइपलाइंस में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी उनकी सर्विस लाइफ इंक्रीज हो जाएगी लेकिन अनेक बार हमें इंडस्ट्रीज में ऐसे जो पंप हैं वो वेरी वेरिएबल डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल करने होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर मोटर में स्पीड कंट्रोल भी अवेलेबल हो तो ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि एक ऑर्डनरी सॉफ्ट स्टार्टर में किसी भी तरह के मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने की फीचर नहीं होती तो ऐसी सभी एप्लीकेशन में जहां एक पंप का लिक्विड डिस्चार्ज वेरिएबल नेचर का होता है तो पंप मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से चलाना पसंद किया जाता है और निश्चित रूप से जब हम एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पंप मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बेटर चॉइस है जिससे न केवल हम पंप मोटर की स्पीड को वेरी करके वाटर डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं साथ ही साथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर की सॉफ्ट स्टार्ट और सॉफ्ट स्टॉप को भी मैनेज कर सकती है अगर पंप मोटर कांस्टेंट स्पीड पे ही ऑपरेट होने वाली है तो यह बेहतर रहेगा कि हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की बजाय कंपेरेटिवली कम लागत वाला और सिंपल टू ऑपरेट सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल करके ऐसी पंप मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करें वी का इस्तेमाल केवल तब करना उचित रहेगा जब हमें पंप का आउटपुट डिस्चार्ज भी वेरिएबल नेचर का कंट्रोल करना आवश्यक हो अन्यथा सभी पंप एप्लीकेशन में स्मूथ और ग्रेजुअल स्टार्ट और स्टॉप के लिए सॉफ्ट स्टार्टर ज्यादा उपयोगी साबित होंगे इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल में एयर और फ्लूड को कंप्रेस करने के लिए हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं और एक इलेक्ट्रिक मोटर कंप्रेसर के मैकेनिकल सेटअप को ड्राइव करती है और अक्सर इस ड्रिवन सिस्टम में मोटर कंप्रेसर के साथ या तो बेल्ट पुली सिस्टम से, से पावर ट्रांसमिशन करती है या फिर कोई डायरेक्ट कपलिंग भी हम कंप्रेसर और मोटर की बना सकते हैं जो छोटे पावर साइज के कंप्रेसर होते, होते हैं और इनमें जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है मोटर की टॉर्क रिक्वायरमेंट भी लीनियरली इंक्रीज होती है वहीं जहां हमारी कंप्रेस्ड फ्लूड की नीड्स बहुत ज्यादा बड़े मैग्निट्यूड की हो जाती हैं हम स्क्रू कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं और मोटर एक गियर ड्राइव से स्क्रूज को रोटेट करके

इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क के एक्सेलरेशन को सतत और सहज रूप से स्मूथ और ग्रेजुअल बना देगा मैकेनिकल शॉक्स और स्ट्रेसेस को पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा और हमारी जो कंप्रेसर कपलिंग्स और जो दूसरे मैकेनिकल कंपोनेंट हैं उनमें वियर एंड टीयर कम होगी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी और सर्विस लाइफ वर्किंग लाइफ एक्सटेंड्स हो जाएगी और एक बहुत बड़े आकार के भारी लोड वाले कंप्रेसर को भी एक बड़ी मोटर जब स्टार्ट करती है तो हम जब स्टार्टिंग करंट के इन रश को रेटेड करंट की लिमिट्स में ही रख लेते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम लोड डिमांड होती है इंडस्ट्री पे जिसपे हमें पेनल्टीज और सरचार्ज देने होते हैं उन्हें भी हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बिना लोड डिमांड को बढ़ाए हुए हम सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से एक बड़े आकार के कंप्रेसर को भी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री और कॉमर्शियल एप्लीकेशन में बहुत बड़े आकार के फैंस भी कॉन्स्टेंट स्पीड की ऑपरेशन में मोटर से ड्राइव किए जाते हैं इन फैंस की काफी लंबी ब्लेड साइज हो सकती हैं, बहुत बड़ा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है तो इन्हें एक्सेलरेट करते समय मोटर पे एक हैवी ड्यूटी स्टार्ट होगी और काफी अच्छा समय लेके मोटर अपनी फुल स्पीड पे आएगी तो ऐसी स्थिति में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस को कंट्रोल करने के लिए फैन मोटर को सॉफ्ट स्टार्टिंग असेंशियल है और जब हम सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं तो जो जेंटल एक्सलरेशन है स्टार्टअप के दौरान वो हमारे सभी तरह के मैकेनिकल स्ट्रेसेस और शॉक्स को रिड्यूस कर देता है मोटर और फैन के बीच में जो कपल्ड पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टीयर कम होगी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी और वर्किंग लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि एक फैन के साथ बहुत अच्छा खासा ब्लेड और फ्लाई व्हील मोमेंट ऑफ एसोसिएट है इसलिए मोटर को स्टॉप करते समय एक स्टॉप रैंप की आवश्यकता नहीं रहेगी और मोटर अपने खुद के इनर्सिया बहुत स्मूथली इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के अनुसार स्लो डाउन होकर रुक जाएगी हमें एक बहुत बड़े आकार के फैन को जब हम एक बड़ी मोटर से चलाते हैं तो अगर हमने सॉफ्ट स्टार्ट का इस्तेमाल किया है तो हम स्टार्टिंग करंट को रेटेड करंट की लिमिट में ही कंट्रोल जब कर लेते हैं तो हमारे सप्लाई सिस्टम पे मैक्सिमम लो डिमांड भी इनहेंस या इंक्रीज नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर या स्काई लिफ्ट का इस्तेमाल भी हम दुर्गम स्थानों पर मूवमेंट्स के लिए करते हैं और अगर इस तरह की लिफ्ट का जो प्रोपेलेशन है वो अगर ऑफ सडन स्टार्ट किया जाए बहुत किया जाए तो जो सडन जॉक्स है वो किसी खतरनाक दुर्घटना के कारण बन सकते हैं जर्क और शॉक्स के कारण ऐसी स्काई लिफ्ट इंस्टॉलेशन में वियर एंड तीयर इंक्रीज होगी और सर्विस लाइफ में भी डिट्योरेशन आएगा इसलिए जरूरी है कि ऐसे स्काई लिफ्ट और इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर को हम जर्क फ्री स्मूथ और ग्रेजुअल एक्सेलरेशन स्टार्टिंग के समय प्रदान करें और सॉफ्ट स्टार्टर जब इस तरह के ड्राइव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पैसेंजर के को भी इंक्रीज कर देता है और इसी तरह की एप्लीकेशन लिफ्ट और एस्कलेटर के बारे में भी हम कह सकते हैं स्काई स्काईलिफ्ट एक्सलेटर्स लिफ्ट इन सभी में पैसेंजर कंफर्ट को इंश्योर करने के लिए स्टॉप एक्शन भी बहुत स्मूथ और ग्रेजुअल होनी चाहिए और सॉफ्ट स्टार्टर को ऐसी सभी एप्लीकेशन में न केवल स्टार्ट को स्मूथ और ग्रेजुअल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टॉप भी सॉफ्ट स्टॉप बनाया जाता है जिसमें हम वोल्टेज को ग्रेजुअली रैंप डाउन करके रेटेड वोल्टेज से जीरो वोल्टेज बहुत स्मूथ और ग्रेजुअल तरीके से करके एक बहुत कंफर्टेबल स्टॉप पैसेंजर्स के लिए बना देते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो मेटीरियल को क्रश करने वाले क्रशर्स हैं मिलाने वाले मिक्सचर्स हैं पाउडर बनाने वाले मील हैं या मिलाने वाले स्टायर हैं इन सभी के ह्यूज डायमेंशन होने के कारण और साथ में एसोसिएटेड फ्लाई व्हील होने के कारण बहुत बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और मोटर के लिए जो इन्हें ड्राइव करती है और ऐसी स्थितियों में मोटर को फुल स्पीड प्राप्त करने में आधा मिनट से लेके दो से तीन मिनट तक का भी समय लग सकता है आमतौर पर इन सभी एप्लीकेशन में हम क्रशर मिक्सर या स्टायर को अनलोडेड शुरू करते हैं और जब वो स्पीड पकड़ लेता है पूरी स्पीड पे आ जाता है उसके बाद उसमें मटेरियल लोड को डाला जाता है लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन में मटेरियल लोड के साथ ही ऐसी किसी एप्लीकेशन को शुरू करना है तो मटेरियल का इनर्शिया भी एड ऑन होने से हमारी स्टार्टिंग ड्यूटी और ज्यादा कठोर हो जाती है सभी ऐसी एप्लीकेशन में जहां स्टार्टिंग ड्यूरेशन आधा मिनट से ज्यादा हो जाती है हम कन्वेंशनल ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का इस्तेमाल करते रहे हैं लेकिन इन दिनों सॉफ्ट स्टार्टर ऐसी सभी एप्लीकेशन में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते

और सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से ऐसी हेवी ड्यूटी ड्राइव भी स्मूथ और ग्रेजुअल एक्सेलरेटिंग टॉर्क के साथ बिना मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेज डेवलप किए हुए लोड को फुल स्पीड तक स्टार्टअप कर देती है इन सभी एप्लीकेशन में क्योंकि फ्लाई व्हील और लोड का अपना इनर्शिया काफी अधिक है तो जब इन्हें बंद किया जाता है तो ये अपने आप काफी लंबा समय लेके स्मूथली स्लो डाउन होके बंद होती हैं इसलिए इन सब में स्टॉप रैंप देने की सॉफ्ट स्टार्टर को, को कोई आवश्यकता नहीं है हम सॉफ्ट स्टार्टर की मदद से स्टार्टिंग ऑपरेशंस तो स्टार्ट वोल्टेज रैंप देकर करते हैं स्टॉप नॉर्मल प्रकार का किया जा सकता है उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो से सॉफ्ट स्टार्टर की बेल्ट कन्वेयर सिस्टम बेल्ट पुली स्काई पुलिस और क्रशर्स में क्या यूटिलिटी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी एंड स्क्रीन पर इसी श्रृंखला में सॉफ्ट स्टार्टर की एडवांटेज डिसएडवांटेज और बेसिक वर्किंग की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उनकी मदद से आपकी सॉफ्ट स्टार्टर की समझ बेहतर बनेगी इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ आप अच्छा पढ़ें तरक्की करें हैव नाइस टाइम थैंक यू वेरी मच